असलमकुम आज के प्रोग्राम में टीएलपी के अरेंजमेंट जो हुकूमत ने तय किया और इसके अलावा जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर बात करेंगे लेकिन उसमें जाने से पहले आज के प्रोग्राम में ट्रेड के हवाले से कुछ अदादोशुमार सामने आए हैं और जो वरी सम नंबर्स हैं. पहले चार माह के अंदर पंद्रह अशार्य छः अरब डॉलर पंद्रह छः अरब डॉलर्स का तजारती खसारा है जो पाकिस्तान में बदतरीन परफॉर्मेंस थी वो सत्रह अठारह की थी तजारती खसारे के अतबार से कुछ छत्तीस अरब डॉलर का हमने तजारती खसारा कर दिया था अगर एक, इस साल की प्रोजेक्शनस को हम लें तो हम कहीं फोटी टू से फोर्टी फाइव बिलियन डॉलर्स का तजारती खसारा करने जा रहे हैं इसका मतलब है कि बाई एंड ऑफ दी फिजिकल ईयर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हम दोबारा फंसे होंगे तो या तो भीख मांगने हम चाइना के आगे खड़े होंगे या आई एम एफ़ हमसे मजीद शरायत मनवा रहा होगा इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्योंकि आप तरक्की को नापने के लिए ये देखते हैं कि आपकी एल में ग्रोथ कितनी है आपकी नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितनी हुई है नई आपकी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कितने लगे नई फैक्ट्रियाँ कितनी लगी हैं जो पहले थी नहीं किसी ने ज़मीन ली फैक्ट्री खड़ी की एक हज़ार बंदे को रोज़गार मिला वो फोकस नहीं है लेकिन वो जो असम्बल्ड कार्स बेच के छः छः माह बाद देते हैं वो हमारी तरक्की का मैार बन गया उसके नतीजे में हम ये नुकसान उठा रहे हैं हमें इम्पोर्ट्स को नज़र रखनी पड़ेगी पैंसठ फीसद ग्रोथ है सौ फीसद से ज़्यादा तजारती के में इजाफ़ा है और ये वरी सम है हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे पास हमेशा क्राइसिस आता है जब हमारे पास डॉलर्स कम हो जाते हैं और फिर हम हाथ जोड़ते हुए कभी जाते हैं सऊदी अरब के आगे कभी कतर के आगे कभी यू के आगे कभी चाइना के आगे और फिर भी नहीं बन पड़ती तो फिर आई एम एफ कहते हैं रुपए को डीवैल्यू कर दो ये काम कर दो वो काम कर दो और हम सारा कुछ करते हैं और इकॉनमी को बिठा लेते हैं उस उस वक्त के आने से पहले हमें होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है ये मुश्किल मरहला है लेकिन अभी इसको स्टेबलाइज़ करना पड़ेगा बाद में बहुत पेनफुल एडजस्टमेंट होती है जैसे अठारह उन्नीस में हमें करनी पड़ी थी उस मरल में जाने से पहले कुछ करना चाहिए टी एल पी और नैब ऑर्डीनेंस ये सियासी एतबार से दो बहुत बड़ी खबरें हैं टी एल पी इसलिए है कि हमें हुकूमत ने बहुत बावर करवाया कि ये दहशतगर्द जमात है हमने तो इसको कादम करार दिया हुआ है आप टी वी टॉक शो में इसको डिस्कस कैसे कर रहे हैं धरना क्यों दिखा रहे हैं आप ये फोर्थ शेड्यूल में शामिल लोग हैं इससे तो इंटरनेशनल सेंकशंस पाकिस्तान पर लग सकती हैं सारा कुछ हमें कहने के बाद पता चला कि रात गए खुफिया खुफिया ऐसी डील कर ली है जो दस रोज़ तक मंजर आम पर भी नहीं लाई जाएगी दस रोज़ तक और उस दस रोज़ के अंदर टी एल पी के जो जेर हरासत लोग हैं उनको रिहा किया जाएगा साथ को रिहाई के अरेंजमेंट के ऊपर इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है मालूम नहीं है मुझे कार के ऊपर लेकिन उसको रिहा करना इसके माहे के अंदर शामिल है कलदम की हैसियत जमात की ख़त्म करना इसदे के अंदर शामिल है तो ये वो बातें थीं जिसके ऊपर हमें कई दिनों से कह रहे थे कि आप मीडिया पर खड़े होंकूमत को आप दबाते हैं टी एल पी के ऊपर क्यों नहीं आप बात करते तो अब हुकूमत हमें बताएगी कि इसने टी एल पी से माह क्यों किया सारा कुछ हमें कहने के बावजूद ये क्यों सरेंडर करना पड़ गया हुकूमत को स्टेट की रिट कहते 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 ये बहुत अहम नुकता है आज के जो शुरा है हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोजा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहन मलिका बुखारी पाकिस्तान तरीकान इंसाफ से और जावेद लतीफ़ साहब पी एम एल एन से सबको खुश आमदीद कहता हूँ लतीफ़ खोजा साहब दहशत गर्द जमात मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी साद रिजवी दहशत गर्द या एक सियासतदान मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ इसको देखिए यही तो बड़ी अलमिया है मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है जिस तरह पिछले कुछ दिनों में जो जिस अंदाज से टी एल पी के बारा में हुकूमती मैं रियाती तो नहीं कहूँगा क्योंकि रियासत का अब कुछ और आ गया है हकूमती जिस तरह माशा बुज़रा ने एक ज़फ़र मौज ने शुरुआत की और ख़ुद जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी इसको दहशत गर्द तंजीम करार दिया प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन तं करार दिया इसको जो है करार दिया कत्ल का जिम्मेवार ठहराया इस पे क्लशन कोफ की जो है कहा गया कि ये क्लशन क्लशनकोफा बर्दार थे इन्होंने फायरिंग की है न सिर्फ ये इसको हिंदुस्तान के एजेंट के तौर पर जो है वो कहा गया कि ये हिंदुस्तान से ये जो है वो लेते हैं अपना हिदायत लेते हैं और पाकिस्तान को ये डी कर रहे हैं और ये जो है इसको इसकी उन्होंने बैन कर दिया एक किस्म का प्रोसा तो साहब अगर ये सारा कुछ

फवाद चौधरी साहब ने पहले कुछ कहा शेख रशीद साहब ने कुछ कहा फिर आपके जो है खुद वो जो है शाह महमूद कुरैशी साहब उनके जलसों में जाते रहे जब वो अपना इनका वगैरह होते थे मीटिंग थी जब प्राइम मिनिस्टर से तो दो वजीरों को उस मीटिंग में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने इतराज़ किया कि ये लोग बैठेंगे नहीं, तो नहीं आएंगे तो वो दोनों लोगों को बाहर भेज देंगे बाहर भेज दिया गया तो ये जो और फिर मुनीब साहब ने खुद कहा कि ये झूठ बोलते रहे वजीर ये तो हमारी शर्ती नहीं थी कि फ्रेंच एम्बेसी को बंद किया जाए फ्रेंच डर को भेज दिया जाए ये तो हमारी शराब में ये हमारे मुतालबों में था ही नहीं अगर अगरचि ये भी बात इसलिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि जो आप आपदा किया है उसमें अदा किया है पहली जो इनके एग्रीमेंट्स हुए थे उनका अदा किया गया जिसमें यह था कि ये करारदादा

वाल्टे फेस कैसे? वैसे तो यू टर्न की माशाल्लाह कोई कमी नहीं है हमारी इस के जो है किरदार में और मलिका से ही पूछते हैं कि ये कैसे किया फिर आपने सारा कुछ तो आपने पूरी कौम को समझाया पहले कि ये दहशत गर्द हैं कालदम है फिर कैसे हुआ ये जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब देखिए बहुत ही एक हसास और अहम इशू पाकिस्तान को दरपेश है आज हम क्या सवाल कर रहे हैं आपके प्रोग्राम के ऊपर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकूमत ने रियासत के सारे इदारों ने अमन को क्यों फ़र दिया कि रियासत के सारे इदारों ने हकूमत वक्त ने पाकिस्तान के अंदर खून रेजी को क्यों नहीं होने दिया हम इस बात का एतराफ़ करते हैं आपके टॉक शो में कि हमने रियासत की रेट जो है उसके बारे में बात की जो हमारे बयान हैं वो आवाम के सामने हैं पाकिस्तान के एंकर्स के भी सामने हैं कि क्या लिंक्स हो सकते थे क्या जो मारने वाला था वो कलमा गो था? था मरने वाला भी कलमा गो था पाकिस्तान के अंदर अमन को अगर आगे बढ़ाना है तो क्या हुकूमत वक्त को और तहरीके लबैक पाकिस्तान के नुमा को लचक नहीं दिखानी चाहिए थी लचक दिखाई गई गई पर बात की कि कुछ वुजरा को बैठने नहीं दिया हम ये नहीं जानते वुजरा ने कहा कि वो तो कभी शरीक ही नहीं थे मुआदे नहीं दिया गया मुआदे की बात हुई मुआदे की कॉपी अभी तक किसी ने देखी नहीं है तो जो बातें हम कर रहे हैं मफरूजों पर मफर देखी है मैंने भी नहीं देखी किसने देखी है जिन्होंने वो तीन बहुत लोगों ने देखे आपको इख्तियार दिया मैं बी पाकिस्तानी आपसे क्वेश्चन करता हूँ आपकी इस अथॉरिटी को और लॉजिक को कि आपने मुझे पहले कायल किया कि ये दहशत गर्द है ये इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है और फिर आपने खुफिया किया जिसको आप कहते हैं कौमी मुफाद हम आपको दस दिन के लिए नहीं बताएंगे आपको ये अथॉरिटी कौन देता है मैं क्वेश्चन करता हूँ आपके इस लॉजिक को और इस मंत्र को कि पहले आपको दहशत गर्दे क्लाश कोफों से चलाती हैं गोलियां है, पीछे से इंडिया इनको सपोर्ट करता है अब कल आपको टीटीपी से मुहिदा कर लें तो मैं तो क्वेश्चन कर दूंगा में लोग डाले सब देखिये पहली बात तो किस कानून के तहत आपने एग्रीमेंट सवाल पूछना आपका हक हाँ है आप सवाल पूछ सकते हैं तनकीद करना आपका और अपोजिशन के रहनुमाओं का हक हाँ है वो हक हम आपसे ले नहीं सकते हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो जो हक सामने आ रहे थे हम आवाम के सामने पेश कर रहे थे लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन थे या तो हम पाकिस्तान के अंदर खून रेजी होने देते या हम और तहरीके लबैक पाकिस्तान के नुमाइंदे लचक दिखाते और अमन को फ़रोक देते हमने पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स को पाकिस्तान की आवाम को और स्टेट को और मुल्क को महफूज किया है

सोर्स से कंफर्म करूंगा खबर चला दूंगा आप हुकूमत है आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज खबर देती हैं आपकी बात से हम इनकार नहीं कर रहे कि ये चीजें सामने आनी चाहिए यहाँ पर इंडियन बैकड है या नहीं है यस सर नो देखिए एक स्टेटमेंट हुकूमत वक्त ने दी है अब इसके ऊपर हमें और तसदीक करनी चाहिए बगैर तसदीक बयान दिया इसका मतलब है फेक न्यूज़ बगैर तसदीक के एक्शन लिया साहब मैं आप मेरी आ, बातों को इस तरह पेश नहीं कर सकते जिस तरह आप कहना चाहते हैं हम कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त के एक नुमाइंदे ने एक स्टेटमेंट दे दी उसके, उसके बाद उसके लिया। उसके बाद हम इसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आवाम के सामने हकत लेकर आएंगे इसमें क्या दो बातें हैं तो इन पहले पार... जो फिर आपने अपने किया उसके बाद हमने इनसे मुआदा भी किया हम इस बात का एतराफ करते हैं और क्यों किया वो आपके प्रोग्राम में मैं दो दफा बता चुकी हूँ की हमारे पास क्या ऑप्शन थे और हमें किस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए था अब आपके टॉक शो पे एक तवील डिस्कशन हो सकती है एक घंटा हमारे साथ घंटे अपोजिशन की रहनमा बैठे हैं ये हमें ये बताएं कि अगर ये उस इस वक्त ये हुकूमत में होते तो क्या करते क्या पाकिस्तान की अवाम को खून रेजी के अंदर आगे बढ़ने देते क्या पाकिस्तान के अंदर अमन ना चाहते क्या ये एक तो पार्लियम के अंदर आपके अपने पार्लियामान के अंदर ये और आ सकता है ना हम कुछ कह रहे हैं कि नहीं आएगा और एक और बात की हम आपने यहाँ पर बात की शाह महमूद कुरेशी साहब यह पाकिस्तान तहरीकी इंसाफा कोई मेम्बर धरने में उनके शामिल नहीं था इस बात को हम बिल्कुल रद्द करते हैं किस धरने में शामिल थे पिछली दफा सत्रह वाले के अठारह वाले वो जो फोटो छपी थी वो कहाँ की थी वो खुद कह चुके वो है। तस्वीर है जी उसने। जी वो धरने की तस्वीर नहीं है वो कहाँ की किसी और इवेंट की तस्वीर है जिसको उससे इवेंट इवेंट किसका था लेकिन वो टीएलपी का धरना नहीं था धरना नहीं था तो इवेंट किसका था इवेंट किसका था जमात का था लेकिन टीएलपी का धरना नहीं था टीएलपी का इवेंट था

पहली बात तो यह है कि को कोई बंदा इससे इनकारी नहीं है कि किसी भी इशू पर किसी भी एहत पर आप गुफ्तु करते हैं गुफ्त व से मसले का हल निकालते हैं इससे कोई इनकारी नहीं हो सकता आप तो पाकिस्तान महाल्फ़ कुवतों से भी गुफ्त शनीद करते हैं उसका हल निकालने की टेबल पर कोशिश करते हैं मगर मुझे ये बताया जाए कि एक है फ़रीक आज की हुकूमत और दूसरा फ्री के एहताज करने वाले हम दो दोनों को उस वक्त तक अवामी कटहरे में रखेंगे जब तक वजाहत आ ना जाए नंबर वन पहले तो हुकूमत की बात कर लेते हैं हुकूमत की मलक साहब मुझे कोई ये बता दे जो आपने सवाल उठाए हैं कि आप क्या जल्दबाजी में किसी को गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं इंडियन नवाज़ कह देते हैं दहशत गर्द कह देते हैं और फिनांसिंग का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इंडियन ने की है अब आ जाएँ कि क्या वो सारी की सारी चीज़ें तब्दील हो गई तो फिर मुझे ये कहने का हक कोई दे कि आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको सादक और अमीन डिक्लेयर किया था आ, अपना जो जस्टिस साकब निसार साहब थे वो एक साधक और ममीन ठहरे थे, थे क्या आज वो सादक औरमीन रह गए हैं इस गुफ्तगु के बाद कि पहले वो कुछ और कह रहे थे चार माह के बाद आज कुछ और कह रहे हैं इससे आगे मैं दूसरी बात करता हूँ अब आ आजें तहरीक लब्बैक की जो लीडरशिप है जो मुतालबात वो लेकर गए थे नदीम मलिक साहब वो हर पाकिस्तानी हर मुसलमान की आवाज़ है इससे कोई इनकारी है ही नहीं तो आज लीडरशिप जो तहरीक लबैक की है मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपने मुतालबात पर कुछ समझौता किया होगा क्योंकि वो तो हर मुसलमान की आवाज थी और अगर जब तक मीडिया पे उनको लाया ना जाए जिस तरह अभी आपने एक कमेटी के मेंबर की गुफ्तु सुनवाई मैं ये समझता हूँ कि उनकी लीडरशिप को सामने लाकर बताया जाए उनके कारकुनों को कलमा गो को कि वो किस लिए ऐतजाज कर रहे थे किस तरह शहादतें हुई और उनका जो है नतीजा क्या निकला अब तीसरी जो बात असल है वो ये है कि नदीम मलिक साहब मुझे कोई ये बता दे पाकिस्तान के अंदर कौमी मफादात का तयन कौन करता है मेरा तो सवाल यह है बतौर एक पाकिस्तानी के मैं तो ये सवाल उठाऊंगा हर जगह पार्लियामेंट के, के अंदर दे... इस पे बहस नहीं होती चाहिए कि कौन कौन तयन करता है और हमारे कौमी मुफाद हैं क्या मतलब उसको दहशत गर्द कहना भी कौमी मुफाद था कालादम करार देना भी कौमी मुफाद था इंडियन बैग कहना भी कौम मुफाद था और अब कहना कि हमने अमन की खातर उसको मेन स्ट्रीम कर दिया यह भी कौमी मुफाद है कुछ हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा ना यस आप सही कह रहे हैं मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए नदीम अलिकाब ये कहूँगा कि सत्तर सालों से कौमी मफादात का तयन कौन करता आ रहा है और ये इख्तियार कब किसने उनको दिया कि आप ये देखें पार्लियामेंट की मौजूदगी में जमहूरियत होते हुए आप तस्वीरें किसी और की देख रहे हैं माहदा किसी और से हो रहा है हकूमत वक्त किसी और जगह खड़ी है उनको इलम भी नहीं है तो मैं ये कहूँगा और आज एक नई बात देख लें कि इनके एक अहदेदार जो हैं वो कराची में या किसी और जगह बैठ कर ये कहते हैं कि हम इंतहादे से करने जा रहे हैं एक तरफ आप कहते हैं ये गद्दार हैं ये इंडियन नवाज़ हैं और दूसरी तरफ आप उनके से इंतहाद करने के लिए चल पड़े हैं और जो इंतहाद करने की बात करेंगे उनको भी जवाब देना चाहिए इनको कि आप तो लाशें ग्राई आपने, आपने तो और एक और बात मैं बड़ी माजरत से बात लंबी शायद मैं कर गया हूं मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको याद होगा जे आई टी बनी थी मॉडल टाउन साने पर आज तक वो खत्म नहीं हुआ वाकया और दफ़ा ये धरने हो चुके हैं छह दफा दर्जनों लाशें गिर चुकी हैं दोनों साइडों से शहादतें हो चुकी हैं मुझे ये बताया जाए बतौर पाकिस्तानी के और कलमागो के के मुजरम कौन था और बेकसूर कौन था कमाल है यार जब, जब एक जवाब ले लूं ब्रीफली मलिका से चाहे कोई चाहे आपकी मलिका <laughs> जी मैं आता हूँ आपकी जावेद साहब मलिका साहब देखिए मेरी नजर में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है किसी ने स्टेटमेंट दी है तो उनसे वजाहत ले सकते हैं पार्टी के सीनियर लीडरशिप के सामने से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई फवाद चौधरी साहब इसके बाद ट्वीट भी कर चुके हैं कि तहरीकेश है उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई आ, तो वजह रशीद ये की ये जब बयान सामने आया मैं इससे वाकिफ नहीं हूं मैं इतना कह सकती हूँ कि ऐसी कोई चीज ना सामने आई है जिन्होंने बात की उनसे वजाहत ले सकते हैं लेकिन ऐसे कोई अब अब पहले तो ये कोशिश कर रहे थे कि उसको रोक लें उसका एक तरीका ये था कि डिस्ट्रिक्स के अंदर ही उनकी मूवमेंट को ब्लॉक कर ले जाता है एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगा फिर वो नैब ब्लॉक की तरफ आते हैं ये हर मौके के ऊपर हम डिस्ट्रिक्स में उनको रोकने में नाकाम हो जाते हैं आई डोंट नो क्यों मतलब हमारे पूरी लॉ इन्फोर्समेंट का एक सेटअप है स्पेशल ब्रांच की भी वो, इनके पास इंटेल मौजूद होती होगी प्रोविशियल गवर्नमेंट के प्रोविंशल गवर्नमेंट ने खुद उसको का अदम करार कर दिया हुआ है डिस्ट्रिक्स में नहीं रोका लाहौर में नहीं कंटेन किया फिर कभी साधु की, की डेड लाइन वो सुर्ख लकीर आ जाती है फिर जेलम की आ जाती है फिर जनाब की आ जाती है वो आगे आगे इधर उधर कर ही जाते हैं ये मतलब सूबे तो ऐसे पाकिस्तान तो ऐसे नहीं चल सकता देखिए ये तो वसीम अकरम प्लस का खिताब जिसको मिलता है माशाल्लाह वो इस वक्त सबसे बड़े सूबे के हेड हैं ये तो मेरे ख्याल में वही बताएँगे कि क्योंकर उनका जो है ये फेल हुआ है ये सुबह वैसे अगर गंदम बंद करनी हो तो वो बंद कर देते हैं कोई और चीज़ बंद करनी हो तो बड़े सक्सेसफुली बंद ये कर ये मुमकिन है कि इतना बड़ा क्राउड आए और वो रोड की तरफ वो लॉन्ग मार्च की शुरू कर दे इस्लामाबाद की तरफ और किसी को पता ही ना चले कानों कान खबर ही ना वो कहें आए थे बारह अरबी लेवल के लिए उसके बाद ये हो गया ये हो सकता है नहीं ये तो मुमकिन ही नहीं है देखिए और इंटेलिजेंस जो सूबाई भी होती है मैं खुद गवर्नर रहा हूँ मुझे पता है कि ये जो है ये तो एक मिनट आपको जो है बल्कि शुरुआत होती है तो उसका आपको इल्म हो जाता है मोहल्ले की सतह से <laughs> हर जगह पे शुरुआत होती है तो पता चल जाता है बल्कि वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ माशाल्लाह इतनी मुस्तैदी रखती हैं कि वो आपको इन्फॉर्म कर देती हैं अब या तो आप ओवरटली या कोवर्टली या किसी को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि इशु, किसी किसी इशू से आप कर देते हो कि अब आप महंगाई के सैलाब के तले या पी डी एम का जल से वो करना है या उनकी मूवमेंट को करना है या आई एम एफ़ को हमने जो है एक किस्म का दफन करना है वो हमारे ऊपर जो बोझ आए हैं या हमने जो वाम पर सुनामी फेंकना है महंगाई ये का ये बड़ी स्मार्ट थिंकिंग क्या बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये इनकंपिटेंस हुई है गफला जिसको बोलते मेबी मेबी टाइमली एक्ट नहीं किया मेबी यस बट असल बात तो ये है ना देखें मुझे नहीं लगता कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है भी रियासती इदारों की जिसमें हुत भी है जिसमें कोई और इदारे भी हैं मेरा नहीं ख्याल कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है फिर अगर आप जो है जो आप कहते थे हमारे तो मिसाली ताल्लुक है तो मिसाली ताल्लुक जब खराब होते हैं तो भी गड़बड़े शुरू हो जाती वो उनकी है उनकी अब नई मिसाल बनेगी <laughs> इसी तरह बड़ा इसको मोहताज क्योंकि <laughs> एहसास मसाला है मैं इसलिए इसको आ, बड़े शुगर कोटेड अल्फाज में कह रहा हूँ कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है वहाँ भी ये बातें होती हैं क्योंकि हमने देखा हमने जब हमारी बारी थी हमने भी कहा था कि एक नहीं जाने देंगे लेकिन दूसरे हमारे इदारों ने हमारे साथ इतफाक़ न किया और ऐसा वो खोल दी गई सब कुछ खोल ने है पैट के थे, नून ने के और कोई और इधारे चाहें तो पुलिस रोक ही नहीं सकती है किसी को वैसे पाकिस्तान की सियासी तारीख फैजाबाद से शुरू होकर डी चौक पे आके खत्म हो जाती है हो जाती है जहाँ डी चौक पे ना आने देना हो वहाँ भी हो जाता है कि नहीं आने दिया जाता जहाँ आना मकसूद हो वहाँ आ भी जाते हैं अरे एक ब्रेक की तरफ जाएं या पहले प्रोड्यूसर साहब आगे नैप टॉपिक लें। ले? नैब पे चलते हैं जी ब्रेक बाद में लेते हैं नैब लॉ जो है आपसे ही पहले शुरू करते हैं सब थोड़ा सा मैं जवाब दूं कि जो बातें बहुत सारी बहुत सारी बातें हो गई ऑपोजिशन पी पे ही बात करना चाहते हैं तो है। इस को करना चाहते थे। लेकिन चलिए क्योंकि आपके टॉक शो पर बात हो रही पहली बात तो जावेद लतीफ साहब ने सादक और अमीन की बात की देखें जिस लीडर ने सत्रह साल के दस्तावेज पाकिस्तान की आला अदालत में दिए हैं और अला अदालत ने कहा है कि वो सादिक और अमीन है उससे आप वो छीन नहीं सकते किसक सादक और अमीन कहें आपके लीडर को जिन्होंने जाली दस्तावेज पेश किए टी एल थोड़ा सा थोड़ा सा बता दें टी कभी टीएलपी टॉपिक था किस को और अमीन कहे शहबाज शरीफ को जिनके ऊपर बावन वॉल्यूम्स हैं टी टीस की किस को और अमीन कहें मरियम नवाज शरीफ को जो बलोचिस्तान की जो एक ट्वीट है इंडिया की जो एक ट्वीट है उसको बलोचिस्तान के ऊपर ट्वीट करती हैं जो जालसाजी की डॉक्यूमेंट्स पेश करती हैं कौन से पैमाने की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर टीएलपी की बात हुई लतीफ़ खोसा साहब का एहतराम करते हैं लेकिन इन्होंने जितनी भी बातें की मफरूज़ों पर मबनी थी ये हो गया ये होना चाहिए था इनकी उनसे बात है इन्होंने ये नहीं किया क्या आप दोनों

प्रोग्राम के ऊपर दोबारा बात कर लेंगे इंशाल्लाह अच्छा आप ब्रेक ले लें ब्रेक से वापसी पे फिर बात करते हैं हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं नैप का एक और तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस पहले वाला अभी قومي असेंबली में पेश होना है दूसरा उसके ऊपर और आ गया पहले चेयरमैन नैब की रिमूवल का जो इख्तियार था वो डिफ़ाइन किया गया था कि उसको वैसे ही रिमूव किया जाएगा सुप्रीम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर कार्रवाई करेगी जैसे अला अदलिया के जजेज़ के ऊपर कार्रवाई होती है जो नैब के चेयरमैन है उनके ऊपर एक वीडियो का इशू सामने आया था जिसके ऊपर मुझे भी ये बताया गया है कि उनके ऊपर एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर पेंडिंग रेफरेंस भी मौजूद है हुकूमत एक नया उसके ऊपर तरमी ऑर्डीनेंस ले आई है और उस नए तरमी ऑर्डीनेंस के तहत इख्तियार सदर साहब को दे दिया गया जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ से ताल्लुक़ है अलवी साहब ये कहें कि उसको रिमूव कर देंगे उसी वीडियो के ऊपर तो बड़ी मुश्किल बात है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर सारों के नॉलेज में थी एफ़ आई ए के इल्म में थी और बार बार सवाल होता रहा कि कोई तहकीक़ करेगा कब करेगा कोई जवाब कभी नहीं आया फिर इसी तरीके से इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया कि छः अक्टूबर से जो पुराने मुकदमात हैं वो तो चलते रहेंगे नए वालों के ऊपर जो तरामीम तर्म, की गई है उनका इतलाक होगा ये ऐसी दो अमली है मालूम नहीं कि आला अदलिया में अगर ये ऑर्डिनेस चैलेंज हो जाते हैं तो वहाँ कोर्ट के सामने ये स्टैंड करेंगे या इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा जावेद लतीफ़ साहब इससे ऊपर बताएंगे कि ये क्या वजह हुई कि एक के ऊपर एक नया ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ गया लतीफ खोसा साहब बैठे हैं ये ये तो आइन की रू के ख़िलाफ़ है ये आर्डीनेंस आप ये देखें कि एक इंसाफ़ फ्राहम करने वाला जो शख्स है उसके सामने एक मुलजम है और मुलजम की इतनी पावर है कि वो इंसाफ फ्राहम करने वाले को जी चाहे तो सैक कर दे और जी चाहे तो उसकी मुलाज़मत में तोसी दे दे आप ये देखें कि जो आपने 6 अक्टूबर की बात की या इससे पहले जो कुछ होता रहा तो साढ़े तीन सालों में नदीम मलिक साहब फिर जो हम रोना रोते रहे अदारे बात करते रहे यहाँ तक कि अदलिया बात करती रही नैब के किरदार के हवाले से और जो हम कहते थे कि ये एक एक बन गया हुआ है उसका हथियार बन गया हुआ है हैकूमत वक्त का जैसे हुकूमत भी वही चला रहा है नैब और अपोजिशन से इंतकाम भी ले रहा है वही यह आज बातें साबत हो रही हैं मगर मैं ये एक चीज बता दूँ नदीम अल साहब बात अब यहाँ रहेगी नहीं काम गया ये वेंटिलेटर पे मतलब बड़े बक बड़े दावे आप काफी सालों से कर इस... रहे हैं जावेद लतीफ साहब उसमें उतनी जान नहीं है का... ये पीडीएम बनाते हुए भी आपने बड़े बताया था तीस दिसंबर इकतीस दिसंबर आर या पार वो आपका ही आर गया। मेरी बात बैठी हुई आराम से मेरी बात सुनिय मेरी बात सुन ले होता है कि ताकतवर जो लोग होते हैं उनके इख्तियार में ज़्यादा चीज़ें होती हैं हम जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं आपको हम ताकतवर लोग नहीं हैं मगर मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि जो पिछले पंद्रह बीस दिन से या दो माह से हम बातें कर रहे हैं उनमें सच्चाई इतनी है और उसमें सदाकत आपको नज़र इस तरह आ रही है क्या आपने देखा कि पिछले तीन चार दिन पहले सऊदी अरब ने जो आपको ऑक्सीजन दी है वो हुकूमत वक्त को नहीं दी उसने रियासत को दी है जो आपकी मीशत डूब रही थी उसको सहारा महज इसलिए दिया है कि आने वाली जो हुकूमत है आने वाले जो लोग हैं कम अज़ कम वो अपने पाँव पे इस को खड़ा कर सके उन्होंने रियासत की खिदमत की है का पहले मिला था की में आपकी एक उसको खुल के बयान कर देता हूँ उस वक्त भी हुकूमत को बर रास्ते पहले असिस्टेंस नहीं थी मिली आर्मी चीफ को पहले विजिट करने पड़े थे राह हमवार करनी पड़ी थी एग्रीमेंट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी फिर प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था फिर सऊदी कतर यूएई और चाइनीज असिस्टेंस हमें मिली थी ये हिस्ट्री मौजूद है हमारे यहाँ लेकिन खुदा सा नैब का लॉ जो है वो इस वक्त टॉपिक है मैं दायम बाई नहीं घूमता नैब लॉ छः के ऊपर इकतीस अक्टूबर दो ऑर्डिनेंस आ गए क्या इतनी क्या हुआ क्या, हुआ, क्या है, क्या है? ये क्या कहानी है देखिए ये छः अक्टूबर में जो उन्होंने किया था उसमें तो नैब को बिल्कुल फारिग कर दिया था ऑलमोस्ट क्योंकि उन्होंने कहा कि सिर्फ कन्फाइन होगा टू तो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस तक जो पहले पर्सन था उसको उड़ा दिया पर्सन को उड़ा दिया पर्सन जो रिलेटेड था पहले जस्टम जनरल्स के प्रिंसिपल पर अगर सरकारी ओदा या होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के साथ कोई प्राइवेट पर्सन उसके इलाहाक में आता है मुंसलिक है उसका कोल कोलाबोरेटर है तो वो आ सकता था इन्होंने 6 अक्टूबर को एक तो ये किया दूसरा इन्होंने 6 अक्टूबर को ये किया कि जो है नैब के चेयरमैन जो कि रिटायरमेंट पर बैठे यानी तकमील अपनी तकमील करने जा रहे थे उसको रखना मकसूद था और उनको एक्सटेंशन एक्सटेंशन दे दे दी दे दी अब इन्होंने जो ये फिर इकतीस अक्टूबर ही को किया जो तीसरा ऑर्डिनेंस है दरअसल तीसरा ऑर्डिनेंस ने जम किया वो उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो छूबर से ही होगी तो तीसरा ऑर्डिनेंस जो है बेसिकली बुनियादी तौर पर यही वो गलती है जो पहले आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर एक लॉ बना फिर दूसरा बनाया फिर तीसरा बनाया छह को उन्होंने कहा था कि इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के तहत चेयरमैन को उठाया जा सकता है मुद्दत चार साल और एक्सटेंशन दे दी अब इन्होंने कहा रिमूव आपने कहाजिडेंट रिमार्क सदर पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान आइन के ताबे जो है वो वजीर आजम की एडवाइस का पाबंद है तो इसका मतलब है ये बुनियादी तौर पर यह अख्तियार वजीर आजम को दे दिया गया है कि वो इसको चाहे तो हटाए तो लॉ के अंदर तो सदर को दिया लेकिन क्यों आप मजबूरी हुई थी कहा गया था कि वो मीनिंगफुल होगी इसमें भी होगा इसमें भी होगा मैं तो खुद गवर्नर रहा हूँ मैं वजीर आला की एडवाइस का पाबंद होता था जो भी ऐसे भी बिलवाइस पाबंदी आईन की कौन सी शिक है जो ये कहती है

नंबर टू ये पहले चेयरमैन जो है दो एक में तो मैं खुद दोनों में इतफाक़ से वकील भी रहा हूँ एक शाह साहब का नोटिफिकेशन स्ट्राइक डाउन हुआ था एज़ चेयरमैन जो जस्टिस से सिंध कोर्ट से और फसी बुखारी साहब एडमिरल फसीब बुखारी का भी सैटिसफाइड हो चुका हो गया था जो चौधरी निसार अहमद खान ने एज़ लीडर ऑफ दिशन चैलेंज किए थे और फिर ये जो है कादर एहसान कादर शाह शाह साहब का एहसान कादर का एज प्रोसिक्यूटर जनरल जब इनको दोबारा रीअपॉइंट किया गया था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था उन्होंने ये कहा कि इस अधारे की इंडिपेंडेंस जो है ये जो है, है। एक तो वो दिलदार थे दिलदार भी असाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने फसी प्रोसिक्यूटर का, का भी किया प्रोसिक्यूटर का नजीर मौजूद है क्योंकि ये तो फिर वाजे तौर पर आपने ताबे कर दिया उसको और बेट दे दी कि अगर आप वफादारी और ताबेदारी करोगे तो आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी मलिका ये तो कानून का इम्तहान शुरू हो गया जी फरोग नसीम साहब का और मलिका बुखारी का जी बिल्कुल हम इम्तिहान के लिए तैयार हैं देखिए पहली बात तो यह है कि जब जब हम कवानीन के ऊपर डिस्कशन करते हैं खोसा साहब तो काबिल एहतराम है ये एक आ, आ, सीनियर कानूनदान है लेकिन जो भी डिस्कशन नैब ऑर्डिनेंस तरामीम के ऊपर हो रही है दूसरी हो या तीसरी हो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कानून का मुताला नहीं किया अब यहाँ पर बात हुई कि हमने क्यों इख्तियार दिया सदर महतरम को नैब चेयरमैन को रिमूव करने का अगर पहले कानून का मुताला कर लेते तो समझ जाते कि उसके अंदर जो 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 रिमूवल थे थे वो वही है दो सौ नौ आ, जो पाकिस्तान के आइन का है उसके अंदर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तश्ल दिया गया एक स्पेसिफिक मकसद के लिए तश्ल दिया गया है कि जो जजेस हैं आला अदालत के उनके जो रिमूवल है उनके डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स हैं वो उस फॉरम के अंदर हों आप इन्हें तो 6 अक्टूबर को ये तैयार कर दिया था और इसके ऊपर ही डिस्कशन हुई थी उस वक्त तो एसीनी जनरल मोत्रफ थे चाहते थे कि इसके ऊपर ये शिक आ जाए बाद में हमें लगा क्लेरिफिकेटरी हमने एक और अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस दे दी कि ये शिक ठीक नहीं है क्योंकि सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल के पास जो اختیارات हैं वो इस इस जगह तक एक्सटेंड नहीं होते अगर हमने मैं मुकम्मल कर दूं अगर हमने नैब चेयरमेन की रिमूवल को वो फॉरम बनाना है तो फिर उस फॉरम के अंदर हमें आईनी तरमीम करनी पड़ेगी पहली बात तो ये है इसके अलावा सदर मोहतरम के के बारे में बात हुई इनका अपना नुकता नजर है हम उससे इतफ़ाक नहीं करते सदर मोहतरम का जो रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी के मुताबिक और फरो नसीम साहब इसके ऊपर एक तवील बहस कर चुके हैं टॉक शो के अंदर वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास हमारे पास ये वजूहत थी कि या तो हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को इख्तियार देते तो कहते हैं वजीर के जो के प्रोसेस पर 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 है वो मुख्तलि पैरा मुख्तफ है जिनको देखना पड़ेगा की ऊपर भेजा था सुप्रीम जुडिशियल में सदर साहब ने वो वजी का मशवरा उसमें शामिल था उसकी एडवाइस पर भेजा की एडवाइस पर भेजा था बिल्कुल आते हैं आपने मैटर आपको अगर फायजिसा के ऊपर रेफरेंस है वजी आजम की एडवाइस के ऊपर सदर ने फॉरवर्ड किया है तो यहाँ पे रिमूवल के लिए भी वो एडवाइस लागू होगी नदीम साहब देखिए हम नैब ऑर्डिन्स सुप्रीम कोर्ट के, के जज का बड़ा वजन है जी जी बिल्कुल ठीक है लेकिन फॉरम सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का सुप्रीम काउंसिल है चेयरमैन के रिमूवल का वो फॉरम नहीं होना चाहिए बिकॉज आईनी तरम की जरूरत हो रही है आप, आप कह रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए आपने उस उससे की वजह पहले छह अक्टूबर को की थी क्योंकि ये डिफाइंड नहीं था बता दूंगा देखिए छह अक्टूबर को जो हम कानून जो आप इकतीस अक्टूबर का हम कानून लेकर आए ना ये ऑर्डिनेंस लॉ नहीं अभी ये भी एक कानून है

जस्टिस जावेदिक बाल को दिया मुद्दा चार साल को बता कि हमने जो कानून के अंदर खला था उसको पुर किया है कि अगर नाब की अगर नैब चेयरमैन की तैनाती के ऊपर डेडलॉक आ जाए तो उस मकसद के अंदर जैसा अहम इदारा खाली नहीं रह सकता तो एक नैब हैं उनके पास पावर्स होंगे के, लेकिन तैनाती का सिलसिला अगर उनको दोबारा तैनात करना है तो वही प्रोसेस फॉलो होगा जो किसी नए तो का, का लॉ के अंदर मौजूद नहीं था नहीं हो सकता नहीं देखिए उसमें कोई आईनी कथन नहीं है आपने कहा ना कि यह कानून गैर आईनी है बिल्कुल गैर आईनी होगी गैर आईनी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो इस पर पे वजाहत पेश कर दू गाय वो चीज होती है ये सात कानूनदान बैठे जो के स्टोन के ऊपर किसी फंडामेंटल राइट right की वायलेशन हो यहाँ पर कौन से होगा वो तो फैसला लेकिन एक इसमें और बड़ी कंट्रोवर्शियल इशू है जिसमें आपने के फैसलों को आपने जितने फैसले ऑफिशियल कैपेसिटी में किए हुए उन सारों को भी आपने तहफुज दे दिया हुआ अपने आप को आपने बचा लिया हुआ देखिए वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग

तो उसके खिलाफ नैब प्रोसीड कर सकता है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन में आते नहीं।, नेक 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 नियत तो नहीं कर सकता है लेकिन करप्शन हुई है तो उसको चैलेंज कर सकते हैं देखिए ये बहुत सारी चीजें बारीकियों से देखने की जरूरत है एकदम कह देना कैनारो दे दिया कानून मेट्रो बनी थी जो पचपन कंपनियां पंजाब में बनी थी वो किसी फर्दे वाहद के फैसले थे या वो कलेक्टिव फैसले थे नदीम साहब वो फैसले पाकिस्तान की अदालत के अंदर इस वक्त चैलेंज जो एल एन जी के फैसले थे, थे इम्पोर्ट के टर्मिनल के वो फर्दे वाद के थे या कलेक्टिव थे देखिए जो फर्द है उसके खिलाफ तो नैप प्रोसीड कर रहा है नाद के खिलाफ का केस था जिसमें सिर्फ वो मोबिलाईजेशन एडवांस दे के इनका नाम उसमें आ गया था और इनका कसूर कोई नहीं था वो का उनको सारों को चोर डाकू कह रहे हैं या तो इसी को हर गिज ये नहीं कर देखे हम तो

कहते हैं मुतनाज़ तो हैं लेकिन आप बैठे आराम से आप चैलेंज करेंगे कोर्ट में जाएंगे, आपकी पार्टी फ्रीक बनेंगे उसमें आ, न, नदीम मलिक साहब बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की के क्योंकि अवामी लोग मुंतब अवाम के वोटों से जब नहीं होते जब हुकूमतें नहीं बनती तो इस तरह का मजाक होता है आइन कानून से जिस तरह का मजाक ये साढ़े तीन सालों में कर रहे हैं आप ये देखें कि ना ये किसी आइन को मानते हैं ना किसी कानून को मानते हैं और जब ये जो चाहें रातों रात ये कर दें कोई पूछने वाला ही नहीं है आप ये बताए कोई मुझे कि ये कह रहे हैं कि और ये मैं नहीं कह रहा ये पूरी पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ आवाम इनकी बातों पे हंस रही है कि हमारे साथ किया क्या है अगर इन जैसे लोग आते रहेंगे आप मुझे ये बताएं कि ये तो नैब के चेयरमैन की बात कर रहे हैं कि उदा खाली नहीं रह सकता तो भाई आपको डी जी आई एस आई का पता नहीं था कि कब उनका पीरियड ख़त्म होगा कब उनको लगाना है जब आपने आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देनी थी आपको पता नहीं था कि किस तरह वो तो आप जुम्मार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और और इस केस को लेकर या थे? नहीं जाएगी अगर आप समझते हैं कि ये जाएंगे नहीं जो इन्होंने हैं लाए मलक साहब जाना जाना इसलिए पड़ेगा कि बार बार ये सुना ये डाले, है। डाले है जी बड़ी खबर डालिए कहते जाएगी नोली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में ये आप जाना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा चारा कोई नहीं रह गया जो इस पार्लियामेंट को आपको नजर है आते हैं जिसके बुनियाद के ऊपर आप सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके स्टैंड नहीं कर सकेगा आपकी नजर में वो क्या इश्यूज हैं जो सुप्रीम कोर्ट जिसको उठा के इसको परे फेंक देगी देखें मैं आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट की बात हुई थी तो कहा गया था कि ये फर्द वाहद के लिए कानून बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुआ तो अब जो कुछ ये, कर रहे, ये कर रहे हैं क्या ये फर्द हैं अपने लोगों के लिए कर रहे हैं ये तो अंधो को नजर आ रहा है नदीम साहब मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहती हूं इसके ऊपर देखिए ये एक बात करें फर्दे वाहिद की बाकी कानून का मुताला कर ले उसमें बहुत ही अच्छी शकें हैं यहां पर ये सामने बैठे हैं खोसा साहब आला अदालत की जजमेंट है कि ट्रायल कोर्ट के पास बेल की राइट होनी चाहिए हमने वो राइट दी प्रोसिक्यूटर जनरल के रोल को हमने मजबूत किया और कहा कि मुलजिम की जो कानूनी राइट्स हैं जो उसके हकूक हैं, उसकी पासदारी प्रोसिक्यूटर जनरल करवाएंगे नैप से इसके अलावा हमने कहा कि जो केसेस हैं, उसके अंदर ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग का जो सिलसिला है, वो नहीं, होगा तब नहीं, आप हाँ, कहा एतराज आते हैं हमने एक अच्छा कानून लेकर आए हैं में रहने देते क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के

छः वाले में ये था कि दे शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड इंक्वायरी शेल स्टैंड इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल जो भी होगा दे शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड इन्होंने कह दिया कि नहीं वो जो चीज अब इन्होंने प्रोस्पेक्टिव कर दिया अपने आप को बचाया है वो रिट्रोस्पेक्टिव जो है वो चलेंगे वो चलेंगे अपने आप को इन्होंने बचा लिया कि हमारे का के खिलाफ कोई केस नहीं आएगा हमारे एक चीज इसमें है कि वो, वो जो मेरे ख्याल लोगों को तफ्ज दे सकती है नैब अगर नेक नीति से काम करे जो जमीनों के फ्रॉड के रिंग रोड का प्रोजेक्ट रावलपिंडी वाला पड़ा हुआ है उसको उठाए ना नैब तीस दिनों में ट्रायल करके सजा देने बचा लिया है अपने आप को कैसे इन्होंने कहा है कि अगर है, भले लॉस हो लेकिन अगर मेरी नहीं, 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 कुछ भी नहीं।, नहीं।, नहीं है ना तो कर दिया मुझे ये बताएं कि आप कैसे साबित कर सकते देखें एक शख्स ने आपने रिंग रोड इस तरह किया तबाह करके रख दिया कितना नुकसान हुआ लेकिन अब आपको अगर आपको गेन आप साबित नहीं करते कि आपने उसमें से पैसा बनाया है और कोई भी साबित नहीं कर सकता कि पैसा बनाया है, तो कोई ऑफेंस नहीं है देखें।

क्यों किया क्योंकि जो केस जो के, केसेस एक तो पहली बात ये कि गुड फॉर यू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो इशू है वो फैटफ के सामने है उसकी रिपोर्ट की भी सबमिशन है और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो केसेस इस वक्त नैब के सामने जेरे इल्तवा हैं उसके ऊपर मिस इंटरप्रिटेशन आ रही थी कि वो बिल्कुल खत्म हो गए वो खत्म नहीं हुए तो हमने उसकी क्लरिफिकेशन दे दी ये हमने सही आप किया आपकी हुकूमत के ऊपर सबसे बड़े केसेस ना ये ज़मीनों के के फ्रॉड नदीम साहब ये आप, आप तैयारी करके रख ले आपने ब्लैक मनी लगाने की जितनी इजाजत दी है ना कल को जब तक सौ अरब का मजबूत करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि शफाफ तरीके से बिल्कुल हर किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो अगर आपके सामने ऐसे कोई शवायद है तो पाकिस्तान रिंग रोड रिंग रोड वो जो पचास कंपनी है सात सौ अरब रुपया लोगों से उसके ऊपर डिटेल

आप ये बताएं कि साढ़े तीन सालों में मलक साहब किसी को नज़र नहीं आया कि इंसाफ फ्राहम कर रहे हैं नैब को मजबूत कर रहे हैं या नैब को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो बच्चा बच्चा जानता है और इसके बावजूद भी बड़ी डिठाई से कहा जा रहा है कि जिन्हब नैब को इसलिए हम मज़बूत कर रहे हैं कि एहतसाब हो सके भाई जो आपने एहतसाब अपना करना था वो किसी को बताएं तो सही कि कब होगा साढ़े तीन साल आपको हो गए एक ही रट लगाए कि जनाब पिछलों इन्होंने ये कर दिया नैब कानून ये चेंज कर सकते थे इन्होंने किया ना ओ भाई हमारी बात छोड़ें साढ़े तीन सालों में आपने जो कुछ किया है इतिहास के अदारों के साथ आ, दीगर अदारों के साथ वो सब के सामने है और एक अदारा बच गया था जिसके हवाले से आप कहा करते थे कि इस अदारे के मतलब ये एहसास अदारा है इसके मतलब बात ना की जाए वो भी आपने जाते जाते करके दिखा दी है

देखिए इन्होंने इस इदारे को बिल्कुल ग़ुलाम बना के अपनी बांदी और लौंडी बना के इस्तेमाल करना है बदकिस्मती है ये इस मुल्क की सरदार लतीफ़ खोसा साहब मलिका बुखारी और जावेद आप सबका बहुत शुक्रिया आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए अल्लाह